ये अचीवेबल हैं ये चीज़ें आजकल के दौर में? देखिए, अचीवेबल हो या ना हो, मदीना की रियासत इस तरह नहीं चलती कि आपने इस वक्त जो एक निज़ाम बनाया हुआ है कि आप अलामती थोड़ी सी काम करें, आप गाड़ी में बैठ जाएं, प्रोटोकॉल ना दिखाएं, पता चले बाद में कि 7 गाड़ियां पीछे थीं और इतनी गाड़ियां सामने थीं, और फिर सोशल मीडिया का दौर है, सब चीज़ बाहर निकल आती है कि कितने पुलिसमैन ने सड़क खाली की थी, ये सारी बातें हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि एक सियासत एक पाकीज़ा सी एक चीज़ है जो पैगंबरों ने की है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस तर्ज को अपनाने की, तो ये इसमें तो कोई मेरा ख्याल बुरी बात नहीं है। सियासत को पाक करने के तर्ज से तो कोई, मैं समझती हूँ, इनहराफ नहीं करेगा। और बहुत सारे आपने देखा है सवालिया निशान उठते हैं बातें, यहाँ की अदलिया भी और हमारा सिस्टम जो है उसमें भी बहुत कुछ लोग गए मियाँ साहब बैठे हैं, जेल में बैठे हैं इस वक्त। मुल्क में एक हर दफ़ा जब आप देखते हैं कि सिस्टम बदल रहा है तो उसको बेहतर होना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफ़र ऑफ पावर में बेहतरी आनी चाहिए मुल्क में, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक फुकदान है एतमाद का। इस वक्त जिस इदारे ने इलेक्शन कंडक्ट किया है, जिस तरह ये धड़ल्ले से ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी को फेवर किया गया है, और मैं नहीं कह रही इसलिए, मैं कहती शायद वो जीत जाते, फेयर एंड स्क्वेयर जीतते, ये भी मैं कहने तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त जो हुआ है उससे एतमाद का फुकदान क्रिएट हुआ है मुल्क के इस वक्त जो ढांचे पे, और आईनी ढांचा मैं नहीं समझती हिलना चाहिए, इसलिए हम बहुत इस वक्त केयरफुल हैं कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कोई इंस्टेबिलिटी आए।